बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा। जी हाँ, ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत पुरानी है, मगर आजकल ये सुर्खियों में हो गई है ये चर्चा, क्योंकि अभी देखिए हालिया में हमने देखा कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बांग्लादेश के जो मुसलमान जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि सऊदी अरबिया में प्रदर्शन करने की कोशिश की। 53 लोगों को उठा करके जेल में ठूस दिया गया, जिसमें से 11 लोगों को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। रिमेनिंग जो लोग हैं उनको सजाए मुशक्कत, मतलब पूरे उम्र की सजा सुनाई गई और पेनल्टीज भी लगाया गया। मुसलमान चाहे भारत के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, वो अतरंगी कामों में ही व्यस्त रहते हैं। एक तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए, और दूसरा 90% जो लोग पकड़े जाते हैं सऊदी अरब से वो पाकिस्तानी होते हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं। दुबई के अंदर भीख मांगना जुर्म है और संगीन जुर्म है। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले में आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरनर्स की वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते हैं, और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल APN। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों लगातार पाकिस्तानी मीडिया में एक बड़ी डिबेट और डिस्कशन चल रही है कि किस तरह से दुनिया भर के अंदर जो पाकिस्तानी बसे हुए हैं वहाँ से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि कहीं पे पाकिस्तानियों को पीटा जा रहा है, तो कहीं पे पाकिस्तानी चोरी के इल्जाम में पकड़े गए हैं, तो कहीं पे पाकिस्तानी काम के बहाने जाते हैं और भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तानियों का उपद्रव मचाना, धरने देना और पत्थर फेंकना इत्यादि ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। लेकिन अब इसी कड़ी में एक और देश का नाम जुड़ता जा रहा है और वह है बांग्लादेश। जी हाँ, जो रिसेंटली खबर निकल के आई है, बांग्लादेश के कुछ लोगों ने भी सऊदी अरब के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश की, जिस पर सऊदी अरब ने न सिर्फ 53 बांग्लादेशियों को जेल में पकड़ा बल्कि उनमें से 11 को फांसी की सजा सुना दी, और जो बाकी रहे 42 बांग्लादेशियों को उनको उम्र कैद की सजा सुना दी। जी हाँ, यही सऊदी अरब की हकीकत है, क्योंकि यह कोई डेमोक्रेसी या वेस्टर्न वर्ल्ड तो नहीं है जहाँ पे पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सोच के जैसे लोग सड़कों पे उपद्रव मचाते रहेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। मुसलमान चाहे भारत के हो चाहे वो पाकिस्तान के हो, वो अतरंगी कामों में ही व्यस्त रहते हैं। और वो अपनी उन्नति और सक्सेस को लेकर के कभी भी फोकस्ड भी नहीं होते हैं और कभी सीरियस भी नहीं होते, और इसी की सबसे बड़ी वजह है कि ना ही भारत का मुसलमान तरक्की कर पा रहा है और ना ही पाकिस्तान पिछले 77 साल में तरक्की कर पाया है। अभी देखिए हालिया में हमने देखा कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बांग्लादेश के जो मुसलमान जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि सऊदी अरबिया में प्रदर्शन करने की कोशिश की। 53 लोगों को उठा करके जेल में ठूस दिया गया, जिसमें से 11 लोगों को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। रिमेनिंग जो लोग हैं उनको सजाए मुशक्कत, मतलब पूरे उम्र की सजा सुनाई गई और पेनल्टीज भी लगाया गया। मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई भी देश अब इस मूड में नहीं है कि आप दूसरे देश का झगड़ा मेरे देश में क्रिएट करके आप मेरे देश के रिफॉर्मेशन के फोकस को, मेरे देश के डेवलपमेंट को आप खराब कीजिए। कि तकरीबन 50% पाकिस्तानी जो हैं वो UAE के अंदर क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। जितना भी क्राइम होता है 50% पाकिस्तानी होते हैं। एक तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज है पाकिस्तानियों के लिए, और दूसरा 90% जो लोग पकड़े जाते हैं सऊदी अरब से वो पाकिस्तानी होते हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं। बरी साहब, ये जो सोशल डीजनरेशन है इसकी क्या वजह है? पाकिस्तानी क्यों बैरून मुल्क जाके अपने मुआशरे, अपनी कौम और अपने वतन के लिए बाइस नदामत बन रहे हैं? देखें, ये बड़ी बात है कि अगर हुकूमत इस तरह के स्टैट्स जो है वो दे रही है, क्योंकि हुकूमतों का माजी में जो तजर्बा रहा है वो ये कि इस तरह की अदाद व शुमार जो हैं उनको या तो तोड़ मोड़ के पेश करो या उनको मानने से इनकार कर दो, जिससे कि इस तरह का कोई तासर मिलता हो कि कोई पाकिस्तानी ने कहीं कोई गलत काम किया या कर सकता है। देखें, बात यह है कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसके सारे फैक्टर्स
आपके सामने जो आपने अभी गिने हैं इंट्रो में, पहली बात यह है कि लाकानूनियत जो है या रूल ऑफ लॉ की जो डिसरिस्पेक्ट है वो पाकिस्तान में एक कॉमन चीज़ है। पूरी दुनिया में कानून को रिलीजन, कल्चर, रवायात, हर चीज़ से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया के 32 ममालिक की फहरिस्त में, 29,000 पाकिस्तानी दुनिया की जेलों में कैद, यूएई के 50% जराइम में पाकिस्तानी मुलव्वस, सब्स पासपोर्ट की बदनामी का जिम्मेदार कौन, हुकूमती इदारे, एजेंट्स या चंद जराइम पेशा पाकिस्तानी? नुसरत साहब, इस मामले का कोई हल है या इसको एज इट इज नॉर्मली ट्रीट किया जाए? देखिए जी, कहिए। मसला ये है कि इसी दुबई में जहाँ पे आप जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और भिखारी है, गालिबन पाकिस्तानी तीसरे या चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया और वहाँ उन्होंने कीमती जायदादें खरीद रखी। वाह वाह, क्या वो हमारी बदनामी का बायस नहीं है जी। उसका हम जिक्र करने से कासिर हैं और फिर ये कह रहे होते हैं कि हाय अल्लाह ये जो भीख मांगने हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। देखिए हमारे रवैये जो हैं, अब मैं असल बात जो है, आपका पॉइंट अदरवाइज वैलिड है या आप दुरुस्त कहती हैं, अब उसमें हमें बुनियादी तौर पर अपने मुआशरती रवैये पर तवज्जो देना होगी। मसला ये है कि एज पाकिस्तान तो हम 1947 में एक मुल्क बने हैं, लेकिन हमारी एक बहुत पुरानी तारीख है बीबी, और उस तारीख के अंदर हम ज़्यादातर गैर मुल्की हमलावरों की जद में रहे हैं, जिनको हम अभी तक हम यही समझते हैं कि जी वो मुसलमान हुक्मरान थे और वगैरह वगैरह वगैरह। मैं उस बहस पे नहीं उलझना चाहता, अपने मिजाइलों के नाम भी उन पे रख देते हैं। मसला बुनियादी तौर पर ये है कि हमारे डीएनए में ये बात शामिल है कि दिन नू रात फरंगीदा ते रात नू राज मलंगीदा। ये मुहावरा भी हमारे यहाँ है कि माझे वड़ दे हम पग नू मार कच्छे ते डाकू कोई ना शहर कसूर दिया। तो हम जरा ये दो नंबरी और रंगबाजी ये हमारे मिजाज में शामिल है। मुल्क में जो मौशी अदम इस्तेकाम है उसकी हम बात कर लें या फिर मौशरती या किसी और किस्म का अदम इस्तेकाम, सभी जो ये अदम इस्तेकाम है इनका जिम्मेदार सियासी इस्तेकाम को करार देते हुए इसे दीवाना वार तलाश कर रहे हैं। खुदा खुदा करके इलेक्शन के बाद एक मुंतखब हुकूमत बनी थी और उम्मीद हुई थी कि अब सियासी इस्तेकाम को आने से शायद कोई नहीं रोक सकेगा, जिसके बाद मौशी अदम इस्तेकाम और फिर इससे जुड़े तमाम मसाइल गायब होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कि हमें जिस सियासी इस्तेकाम की तलाश है वो हाथ आता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, यानी बहरान के बाद फिर एक और बहरान और फिर एक और बहरान, और मईशत हम देख रहे हैं कि बैठती चली जा रही है।